संस्कृतम कक्षा 5। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको तृतीय पाठ तीसरा पाठ संज्ञा प्रकरणम पुल्लिंग शब्दः संज्ञा पुल्लिंग शब्द नामक इस पाठ को पढ़ाऊंगी। संज्ञा, बच्चों संज्ञा के विषय में आप हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान भाव गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है और व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यथा जैसे देवः देवता, बालकः बालक, रमा अश्वः घोड़ा, फलम फल, पत्रम पत्ता इत्याद्यः। संस्कृत भाषा में लिंग और वचन के आधार पर संज्ञा शब्दों को तीन तीन भागों में बांटा गया है। देखिए संज्ञा लिंग के आधार पर और वचन के आधार पर। लिंग के आधार पर संज्ञा शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जो ना पुरुष जाति का बोध कराते हैं और ना ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द नपुंसक लिंग कहलाते हैं। इसके बाद देखिए वचन के आधार पर, संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एकवचन द्विवचन बहुवचन। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उन्हें एकवचन शब्द कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के दो होने का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के दो से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अकारांत शब्द, जिस शब्द के अंत में अ स्वर हो उसे अकारांत शब्द कहते हैं। बच्चों इस पाठ में हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के विषय में जानेंगे। यहाँ बच्चों अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के रूप प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों में किस प्रकार बनते हैं उसका नियम दिया गया है, सभी ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अस्वर से समाप्त होने वाले अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द तीनों वचनों में एकवचन द्विवचन बहुवचन। एकवचन में शब्द प्लस विसर्ग, द्विवचन में शब्द प्लस औ की मात्रा, बहुवचन में शब्द प्लस आ की मात्रा के साथ विसर्ग। एक उदाहरण यह किया गया है, बालक प्लस विसर्ग, तो बालक के साथ विसर्ग लगाने पर एक वचन में रूप बनता है बालकः। द्विवचन में बालक के साथ औ की मात्रा लगाने पर रूप बनता है बालकौ, और बहुवचन में बालक प्लस आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगाने पर रूप बनता है बालकः। इनका अर्थ देखिए, बालकः यानी एक बालक या बालक, बालकौ दो बालक, बालकः अनेक बालक। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है, गजः हाथी, गजौ दो हाथी, गजः अनेक हाथी, हंसः हंस, हंसौ दो हंस, हंसः अनेक हंस। इसी प्रकार बच्चों आप भी अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द लेकर उनके रूप तीनों वचनों में बना सकते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द, यहाँ बच्चों कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द और उनके हिंदी अर्थ दिए गए हैं। अश्वः मीन्स घोड़ा, मेघः बादल, भक्तः भक्त, मूषकः चूहा, गजः हाथी,
मृगः, हिरण, वानरः, बंदर, मयूरः, मोर, वकः, बगुला, शुकः, तोता, कुक्कुटः, मुर्गा, कपोतः, कबूतर, छात्रः, विद्यार्थी, शिक्षकः, अध्यापक, नकुलः, नेवला, घटः, घड़ा, सूर्यः, सूरज, कुक्करः, कुत्ता, सिंहः, शेर, भल्लूकः, भालू। बच्चों, इन सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द और उनके अर्थ को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। अभ्यास कार्याणी। बच्चों, आज आपने अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द तीनों वचनों में पढ़े और समझे। यहाँ उसी से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है, जिसे समझकर आपको अपनी कॉपी में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वचना अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत्। वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। इसमें बच्चों एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कुछ शब्द दिए गए हैं और जिस वचन में रिक्त स्थान दिया गया है उसमें आपको समझकर उसका रूप लिखना है। एक यहाँ किया गया है, मेघा, मेघौ, मेघा। बाकी के सभी आपको स्वयं करने हैं। सेकंड क्वेश्चन, शुद्धम संस्कृत पर्यायम इति चिन्हेन चिन्ही कृत। शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है दो तोते, इसके लिए शुकः, शुकौ, शुकः में से सही शब्द आएगा शुकौ। शुकौ यानी होता है दो तोते, और यहाँ देखिए उस पर सही का निशान लगाया गया है। इसी प्रकार अनेक घड़े के लिए आएगा घटाह, एक कुत्ता के लिए आएगा कुक्कुरह, दो भालू के लिए आएगा भल्लूकौ, अनेक मुर्गे के लिए आएगा कुक्कुटाह, और दो शिक्षक के लिए आएगा शिक्षकौ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।